हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी यानी कि आपका बी एड थर्ड सेमेस्टर का पेपर वन जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ उसमें आपको चलिए पहले आपको मैं पेपर का फॉर्मेट समझा देती हूँ कि किस तरीके का आपका पेपर फॉर्मेट आने वाला है और कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट कर रहे हैं तो दरअसल आपके पास मैक्सिमम थर्टी नंबर का यानी कि जो आपका पेपर है वो पैंतीस नंबर का है जिसमें दो सेक्शन होंगे ए और बी ए सेक्शन की बात करें तो वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो होंगे और बी सेक्शन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ए वाले सेक्शन में याद रखिए वो पंद्रह मार्क्स का है जिसमें आपके कोई से भी पांच क्वेश्चन करने हैं और आठ क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे यानी कि तीन मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो टोटल हो गया आपका पंद्रह मार्क्स तो ए सेक्शन पंद्रह मार्क्स का हो गया आपका और जो इसमें वर्ड लिमिट है वो है आपकी 150 वर्ड और हर क्वेश्चन तीन मार्क्स का है ध्यान रखिएगा आठ में से सिर्फ पांच क्वेश्चन करने हैं सेकंड सेक्शन की बात करें बी यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपके पास दो क्वेश्चन आएंगे और दोनों क्वेश्चन आपकी कंपलसरी है लेकिन उन दोनों क्वेश्चन में एक एक आपको ऑप्शनल दिया गया होगा यानी दो ऑप्शन में होंगे तो आपको जो आता होगा आप वो कीजिएगा तो बीस नंबर का ये हो गया आपका लॉन्ग वाला और पंद्रह नंबर का हो गया आपका सेक्शन ए वाला टोटल हो गया पैतीस नंबर तो चलिए अब हम सीधा बात करते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन की जो मैंने आपके लास्ट फाइव इयर्स का अप्रॉक्स अगर मैं बोलूँ आपका क्वेश्चन पेपर हो गया आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए एक तरीके के वो हैं तो चलिए उन्हें डिस्कस कर लेते हैं यानी कि मैं आपको क्वेश्चन शो कर रही हूँ शेयर कर रही हूँ तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको पूरा देख भी लीजिएगा और ये है लॉन्ग क्वेश्चन जो अप्रॉक्स आपका टेन मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है क्वेश्चन पेपर में दो क्वेश्चन आते हैं यानी कि दोनों में ऑप्शनल होता है चार क्वेश्चन टोटल होते हैं उसमें से दो करने होते हैं यानी कि हर एक क्वेश्चन का एक ऑप्शनल होता है लॉन्ग में दो ही होते हैं दस दस नंबर के बीस नंबर का है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये वीडियो ये हेल्प करेगी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही लेक्चर्स के लिए और सिलेबस के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कॉमेंट शेयर और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्द ही चैनल पर सी का कोर्स भी अवेलेबल होने वाला है